हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी, जितने भी इम्पॉर्टेंट बैटल्स यानी लड़ाइयां हैं उनसे रिलेटेड रहेगी। हमारी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में हम जितने भी इम्पॉर्टेंट बैटल्स हैं उनको कवर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, दशराग युद्ध मेंशन इन विच वेदा, यानी दशराग युद्ध का उल्लेख किस वेद में मिलता है। आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्वेद, यजुर्वेद। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ऋग्वेद है। जो दशराग युद्ध का वर्णन जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। और ये जो युद्ध था वो 10 राजाओं का एक समूह था, उसका युद्ध सुदास राजा के साथ हुआ। इस युद्ध को जो था वो सुदास राजा ने जीत लिया। और ये युद्ध जो था वो रावी नदी के तट पर हुआ था। इस युद्ध का नाम दशराग युद्ध 10 राजाओं का जो समूह था उसी के नाम पर पड़ा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ हाइडेस्पस हैपेंड इन, यानी हाइडेस्पस का युद्ध कब हुआ। आपके ऑप्शन है 326 BC, 426 BC, 226 BC, 400 BC। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट 326 BC। हाइडेस्पस का युद्ध जो था वो 326 BC में हुआ था। और ये युद्ध अलेक्जेंडर यानी सिकंदर और जो पंजाब के राजा पोरस थे उनके बीच में हुआ था। और जो इस युद्ध को जो था वो अलेक्जेंडर ने जीत लिया था, यानी सिकंदर ने जीत लिया था। ये युद्ध जो था वो झेलम नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसको बैटल ऑफ झेलम भी कहते हैं। और जो हाइडेस्पस है वो झेलम का ग्रीक नाम है, तो इसलिए इस युद्ध को बैटल ऑफ हाइडेस्पस, बैटल ऑफ झेलम और बैटल ऑफ बितस्ता भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, यानी तराइन का प्रथम युद्ध किसने जीता। आपके ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद तुगलक, फिरोजशाह तुगलक। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट पृथ्वीराज चौहान है। जो पहली बैटल ऑफ तराइन थी वो 1191 ईस्वी में हुई थी, और ये जो थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। मोहम्मद गौरी जो थे वो उसमें गुर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जो उसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में फैली हुई थी, और वो अपना शासन जो था वो भारत में भी फैलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो था वो भारत पर अटैक किया। तो जब फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई तो वो थे बहुत, मोहम्मद गौरी बहुत बुरी तरह जो थे पृथ्वीराज चौहान से हार गए और भागकर वापस अफ़गानिस्तान चले गए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन फाउट इन, यानी तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ। आपके ऑप्शन है 1191, 1192, 1193, 1194। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सेकेंड 1192। तो दूसरा जो तराइन का युद्ध था वो 1192 में हुआ था, और ये युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में ही हुआ था। लेकिन इस युद्ध में जो था मोहम्मद गौरी जीत गए थे और वो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अपने साथ अफ़गानिस्तान ले गए। अब यहाँ पर दो स्टोरीज हैं कि वहाँ पर जो फर्स्ट स्टोरी है वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने मार दिया, और जो दूसरी स्टोरी है कि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें निकाल दी थी। तो जो पृथ्वीराज चौहान के कवि थे चंद्र बरदेई, वो भी उनके साथ ही गए थे। तो वहाँ पर जब एक स्पर्धा चली थी कॉम्पिटिशन तीरंदाजी का, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो पृथ्वीराज चौहान हैं वो भी भाग लेंगे। तो मोहम्मद गौरी ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान देख नहीं सकता तो ये भाग कैसे ले सकता है। तब चंद्र बरदेई ने उन्हें बताया था कि वो शब्दभेदी बाण चलाते हैं, यानी आवाज़ सुन के भी निशाना लगा लेते हैं। तो उस टाइम उन्होंने जब जो स्पर्धा स्टार्ट हुई तो जो चंद्र बरदेई थे उन्होंने कहा था, 4 बाँस 24 गज अंगुल अष्टे प्रमाण, ता ऊपर है सुल्तान मत चूके चौहान। यानी जो मोहम्मद गौरी है वो 4 बाँस 24 गज और 8 उंगली ऊपर है, तो चूकना मत चौहान। और कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाकर जो मोहम्मद गौरी थे उनको मार दिया था। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ चंदावर फाउट बिटवीन, यानी चंदावर का युद्ध किसके बीच में हुआ था। आपके ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, पोरस और अलेक्जेंडर, और मोहम्मद गौरी और जयचंद। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन थर्ड मोहम्मद गौरी और जयचंद है।
यह युद्ध जो था वो 1194 में हुआ था और इस युद्ध को जो था वो मोहम्मद गौरी ने जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हैपेंड इन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? आपके ऑप्शन है 21 अप्रैल 1526, 29 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1527, 22 अप्रैल 1528। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट 1526, 21 अप्रैल। तो जो पानीपत की प्रथम लड़ाई थी वो 21 अप्रैल 1526 में हुई थी और ये जो लड़ाई थी वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी और इस युद्ध को जो था वो बाबर ने जीत लिया था और जीत कर उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ खानवा फाउंट बिटवीन, यानी खानवा का युद्ध जो था वो किसके बीच में हुआ? आपके ऑप्शन है बाबर और राणा सांगा, बाबर और लोधी, बाबर और मैदनी राय, बाबर और महमूद लोधी। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट यानी बाबर और राणा सांगा। तो बैटल ऑफ खानवा जो था वो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था और ये जो युद्ध था वो 1527 में हुआ था। इसके अलावा जो बाबर और इब्राहिम लोधी था उसके बीच में जो थी वो पहली बैटल ऑफ पानीपत हुई थी और जो ऑप्शन थर्ड है बाबर और मेदनी राय, तो इनके बीच में जो थे वो बैटल ऑफ चंदेरी हुई थी, बैटल ऑफ चंदेरी, और ये जो थी वो 1528 में हुई थी। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है बाबर और महमूद लोधी, बाबर और महमूद लोधी के बीच में बैटल ऑफ घाघरा हुआ था और ये जो युद्ध था वो 1529 में हुआ था। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं जो ट्रिक मैंने बनाई है, पानी पिया खाना खाया और चल दिया घाघरा लेने। तो जो फर्स्ट है पानी पिया, तो पानी पिया मतलब सबसे पहले कौन सी बैटल हुई, बैटल ऑफ पानीपत, और जो उसके बाद खाना खाया यानी बैटल ऑफ खानवा, फिर चल दिया यानी बैटल ऑफ चंदेरी, और घाघरा लेने मतलब बैटल ऑफ घाघरा। बाबर ने अपने टाइम में चार इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ लड़ी थी, कौन कौन सी थी, बैटल ऑफ पानीपत 1526, बैटल ऑफ खानवा 1527, बैटल ऑफ चंदेरी 1528, बैटल ऑफ घाघरा 1529। तो बाबर ने 1526 से लेकर 1529 तक जो थी बैटल्स लड़ी और 1530 में जो था बाबर जो था उसकी डेथ हो गई। अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बैटल ऑफ चौसा हैपेंड इन विच ईयर, यानी बैटल ऑफ चौसा यानी चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ? आपका ऑप्शन है 26 जून 1539, 26 मई 1539, 26 मई 1540, 26 जून 1540। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट 26 जून 1539। ये जो बैटल ऑफ चौसा थी ये शेरशाह और मुगल एम्परर हुमायूं के बीच में हुई, बाबर के मरने के बाद जो था वो हुमायूं मुगल एम्परर बना था, तो 1539 में जो थी हुमायूं और शेरशाह के बीच में बैटल ऑफ चौसा हुई और इसको जो था वो शेरशाह ने जीत लिया। इसके बाद 1540 में एक और बैटल हुई, बैटल ऑफ कन्नौज, ये भी शेरशाह सूरी और जो हुमायूं थे उनके बीच में हुई और इसको भी शेरशाह सूरी ने जीत लिया, और बैटल ऑफ कन्नौज को बैटल ऑफ विलग्राम भी कहा जाता है। तो जो दो इम्पॉर्टेंट बैटल्स थी जो हुमायूं के टाइम में हुई, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज, ये दोनों ही किसने जीती, शेरशाह सूरी ने। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? आपका ऑप्शन है अकबर और इब्राहिम लोधी, अकबर और हेमू, अकबर और राणा सांगा, मराठा और दुरानी। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सेकेंड अकबर और हेमू। जो पानीपत का दूसरा युद्ध था वो अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया और ये 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया और इसमें जो था वो हेमू हार गए थे और अकबर जो थे वो जीत गए, पर ये जो था इसमें जो था वो अकबर हारते हारते जीत गए। एक तीरंदाज था मुगल्स का जिसका तीर जो था वो सीधा जो था वो जो सम्राट थे हेमू उनको जाकर लग गया और वो मर गए। अब अगर
उस टाइम अगर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में अगर अकबर हार जाता और हेमू जीत जाते तो जो भारत का भविष्य था वो कुछ और ही होता, जो हिस्ट्री बनी वो कुछ और ही होती। और जो ये हमारे हेमू थे ये वो लास्ट हिंदू एम्परर थे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ हल्दीघाटी वन बाई, हल्दीघाटी का युद्ध किसने जीता? आपका ऑप्शन है मुगल्स, महाराणा प्रताप, गौरी और मराठा। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट यानी मुगल। जो बैटल ऑफ हल्दीघाटी यानी हल्दीघाटी का युद्ध था वो मुगलों ने जीता था। मुगलों का जो था शासक ये जो था वो उसमें मानसिंह था। मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ाई हुई तो इस युद्ध को जो था वो मुगलों ने जीता था। तो ये जो हमारी दो बैटल्स हैं इम्पॉर्टेंट, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ हल्दीघाटी, ये दोनों ही अकबर के टाइम में हुई थी। मतलब उसमें जो तो मुगल सम्राट जो था वो अकबर था। बैटल ऑफ प्लासी फाउट इन यानी प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 23 जून 1757, 23 जून 1758, 23 मई 1757, 23 जनवरी 1757। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट 23 जून 1757। प्लासी का जो युद्ध था वो 23 जून 1757 को हुआ था। और ये जो युद्ध था वो ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। जो ब्रिटिशर्स का गवर्नर था वो था क्लाइव। तो ये जो युद्ध था वो क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ वांडीवॉश फाउट बिटवीन यानी वांडीवॉश का युद्ध जो था वो किसके बीच में हुआ? आपके ऑप्शन है ब्रिटिशर्स वर्सेज फ्रेंच, ब्रिटिशर्स वर्सेज पॉर्चुगीज, पॉर्चुगीज वर्सेज फ्रेंच, फ्रेंच वर्सेज डच। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ब्रिटिशर्स वर्सेज फ्रेंच। तो ये जो युद्ध था वो जो था वो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। और इस युद्ध को जो था वो ब्रिटिशर्स ने जीत लिया था। और ये युद्ध जो था वो 22 जनवरी 1760 को हुआ था। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हैपेंड इन यानी पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1761, 1760, 1762, 1763। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है 1761। तो ये जो था 14 जनवरी 1761 को हुआ था। और ये जो युद्ध था वो मराठा और दुरानी के बीच में हुआ था, मराठा वर्सेस दुरानी। तो ये जो युद्ध था ये दुरानी ने जीत लिया था। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ बक्सर हैपेंड इन यानी बक्सर का युद्ध कब हुआ? आपका ऑप्शन है 1760, 1764, 1762, 1763। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सेकेंड 1764 है। जो बैटल ऑफ बक्सर थी वो 1764 को हुई थी। और ये ब्रिटिशर्स के साथ हुई थी। और तीन जो थे वो एम्परर थे, पहला था मीर कासिम जो बंगाल का एम्परर था, दूसरा था शुजाउदौला और तीसरा था शाह अहमद सेकंड। तो ये जो हमारा मीर कासिम था ये बंगाल का था, और जो शुजाउदौला था वो अवध का था, अवध का नवाब, और जो शाह आलम सेकंड था वो मुग़ल था, मुग़ल एम्परर। और जो ब्रिटिशर्स का जो मेन कमांडर था वो हमारा हेक्टर मुंद्रो था। और ये जो युद्ध था वो ब्रिटिशर्स ने जीत लिया था। अब जो पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, विच विटामिन इज वाटर सॉल्यूबल यानी कौन सी विटामिन जो है वो पानी में घुलनशील है, तो इसका जो सही आंसर है विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो ये जो विटामिन हैं ये पानी में घुलनशील हैं। इसके अलावा जो फैट में सॉल्यूबल यानी फैट जो बसा होता है उसमें घुलनशील विटामिन कौन सी हैं, तो ए डी ई के। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आप जो है इसको कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, विच प्लैनेट हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स यानी वह कौन सा जो प्लैनेट है, ग्रह है, जिसके सबसे ज़्यादा क्या हैं मून्स यानी उपग्रह हैं। इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।